नमस्कार मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूं आज हम लोग अध्ययन करेंगे पोलिनोमियल्स एक्सरसाइज टू पॉइंट वन आप लोगों को मैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पोलिनोमियल्स पहले बतला चुका हूं और आप लोग भली भांति अध्ययन कर चुके हैं इसलिए इस चैप्टर को पढ़ने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन नंबर वन निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए इसके अंतर्गत पांच क्वेश्चन दिए हुए हैं मैं आप लोगों को पहले बतला चुका हूं कि किसी भी बीजीय व्यंजक में जैसे एक्स वाई जेड जो होते हैं उसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं और जो संख्या होती है जैसे टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये सब कांस्टेंट होते हैं वेरिएबल को हम लोग हिंदी में चर कहते हैं और कांस्टेंट को हिंदी में अचर कहते हैं यहाँ पर आप लोगों को बतलाना है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है क्वेश्चन नंबर वन यह जो बीजीय व्यंजक है इसमें केवल एक चर है x यहाँ भी देखें x है यहां भी x है इसलिए आंसर होगा यह बहुपद एक चर में है अर्थात यह एक यह एक चर एक में एक बहुपद है क्वेश्चन नंबर दो वाई स्क्वायर प्लस रूट टू यहाँ जो यह व्यंजक दिया हुआ है इसमें वाई चर है इसलिए इसका आंसर आप लोग इस तरीका से लिखेंगे यह एक चर वाई में एक बहुपद है क्वेश्चन नंबर तीन थ्री रूट टी प्लस टी रूट टू सबसे पहले यह देख लें कि यह बहुपद है या नहीं है रूट टी रूट टी को हम लोग लिखते हैं टी का पावर एक बटा दो जब बीजीय व्यंजक में किसी चर किसी चर का पावर भीन में हो जाता है जैसे वन बटा दो तीन बटे पाँच तब यह बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा इसे मैं पहले आप लोगों को बतला चुका हूँ इसलिए यह बहुपद नहीं है इसका आंसर लिखना होगा यह एक बहुपद नहीं है क्योंकि चर का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या नहीं है क्योंकि ये जो चर है चर का जो घातांक है पावर है वह पूर्ण संख्या में नहीं है पूर्ण संख्या हम लोग किसे कहते हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इन सो ऑन इन संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं लेकिन वन बाई टू पूर्ण संख्या नहीं है क्वेश्चन नंबर फोर वाई प्लस टू बटा वाई यह भी एक बहुपद नहीं है क्यों y प्लस टू बटा वाई इसे हम लोग लिख सकते हैं y प्लस यहाँ पर y का पावर क्या है वन इसे जब मैं ऊपर ले जाऊँगा तो हो जाएगा y का पावर माइनस वन और ये जो टू है टू के साथ मल्टीप्लाई होगा और इस तरीका से यहाँ चर का घातांक पूर्ण संख्या नहीं है ऋणात्मक हो गया ऐसी परिस्थिति में यह बहुपद नहीं होगा इसलिए इसका आंसर लिखना होगा आपको जो मैंने आंसर थ्री में लिखा है वही आंसर सेम फोर में होगा यह एक बहुपद नहीं है क्योंकि चर का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या नहीं है क्वेश्चन नंबर फाइव यहाँ पर देखें एक्स का पावर टेन प्लस वाई का पावर थ्री प्लस टी का पावर फिफ्टी यह बहुपद है लेकिन यहाँ चर की संख्या वन टू थ्री है तो लिखना होगा आंसर यह तीन चरों में एक बहुपद है क्वेश्चन नंबर दो निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक स्क्वायर का गुणांक लिखिए क्वेश्चन नंबर वन इस बहुपद में देखें एक स्क्वायर के साथ रूप में क्या है यहां पर एक स्क्वायर के साथ गुणांक के रूप में वन छुपा हुआ है इसलिए आपको आंसर लिखना होगा एक स्क्वायर का गुणांक बराबर वन टू टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा यहां पर एक्स स्क्वायर गुणांक यहां पर है माइनस एक्स स्क्वायर इसे हम लिख सकते हैं माइनस वन गुना एक्स स्क्वायर अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर के साथ माइनस वन गुना के रूप में है इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस वन हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक पाई बटा दो होगा क्वेश्चन नंबर चार क्वेश्चन नंबर चार में देखें रूट टू एक्स माइनस वन यहां पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं इसे हम इस तरीका से लिख सकते हैं जीरो गुना एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स माइनस वन जीरो को एक्स स्क्वायर से यदि गुना किया जाएगा तो यह होल टर्म जीरो हो जाएगा और जो बहुपद पहले से है वही सेम टू सेम रह जाएगा इसलिए हम इसके जगह पर इसे लिख सकते हैं जब हम इसके जगह पर इसे लिख सकते हैं तब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो रहा है जीरो इसलिए आपको इसका आंसर लिखना होगा क्वेश्चन नंबर फोर का एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर जीरो और यहां पर भी लिख देता हूं एक्स स्क्वायर का गुणांकटा दो क्वेश्चन नंबर थ्री में पैंतीस घात के द्विपद का और वन हंड्रेड घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए पैंतीस घात के द्विपद का उदाहरण देना है इसे आप लिख सकते हैं इस प्रकार से जैसे एक्स का पावर पैंतीस प्लस फाइव इस बहुपद में पदों की संख्या दो है और घात एक्स का कितना है पैंतीस है इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझने के लिए समझने इस प्रश्न का आंसर यदि दस स्टूडेंट बनाता है तो हो सकता है कि दसों स्टूडेंट्स का आंसर अलग अलग हो कैसे इसका आंसर यह भी हो सकता है टू एक्स का पावर थर्टी फाइव माइनस थ्री यह भी आंसर सही होगा क्योंकि यहां भी दो पद है और घात पैंतीस है थ्री एक्स का पावर थर्टी फाइव माइनस नाइन यह भी आंसर सही है फाइव एक्स का पावर थर्टी फाइव प्लस टेन यह भी आंसर सही है आपको यहां मेन ध्यान देना है कि एक्स का पावर 35 होना चाहिए और हम इसके साथ पांच से गुना करें दो से गुना करें तीन से, से गुना करें या चार से गुना करें या नहीं गुना करें केवल x का पावर 35 लिख दें प्लस एक पद यहाँ और लिख दें यह आपका उदाहरण हो जाएगा 35 घात के द्विपद का सेकेंड है 100 घात के एक सौ घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा x का पावर वन हंड्रेड यह भी आंसर होगा यदि आप लिख दें y का पावर वन हंड्रेड यह भी आंसर हो जाएगा यहां पर पदों की संख्या एक है और इसका घात वन हंड्रेड है यहां भी पदों की संख्या एक है और घात वन हंड्रेड है या फाइव एक्स का पावर वन हंड्रेड यह भी आंसर सही है या थ्री वाई का पावर वन हंड्रेड यह भी आंसर सही है ये सारे पद एक पदी हैं जिनका घात वन हंड्रेड है आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे मिस्टेक आप लोगों से नहीं होना चाहिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चार पे आते हैं निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखे हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी बहुपद में चर का जो अधिकतम घात होता है उसे बहुपद का घात कहते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर वन में देखें इस बहुपद में किस चर का अधिकतम पावर है अधिकतम घात है तो एक्स का अधिकतम घात तीन है तो हम ये कहेंगे कि इस बहुपद का घात थ्री हुआ घात बराबर थ्री क्वेश्चन नंबर टू में इस बहुपद में देखें चर का अधिकतम घात क्या है टू है तो इसका आंसर हो जाएगा घात बराबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री में देखें फाइव टी माइनस रूट सेवन यहां चर टी है इसका पावर वन है जो छुपा हुआ है जब किसी भी चर का पावर वन रहता है तो उसे हम लोग लिखते नहीं हैं लेकिन ये जानते हैं कि उसका पावर वन है वह छुपा हुआ रहता है इसलिए इस चर का पावर वन है अर्थात घात यहां पर हो जाएगा वन क्वेश्चन नंबर चार चार में तो कोई चर है ही नहीं तो इसका घात आखिर क्या होगा ये सोचना है यहां तो कन्फ्यूजन हो गया उत्पन्न कि आखिर भाई यहां तो चर है ही नहीं घात क्या लिखा जाए तीन को हम लोग लिख सकते हैं इस तरीका से थ्री गुना वन थ्री को वन से गुना करेंगे तो कितना आएगा थ्री और वन की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं थ्री गुना एक्स का पावर जीरो किसी भी संख्या का पावर यदि जीरो होता है तो उसका वैल्यू वन होता है इसलिए हम वन की जगह पर एक्स का पावर जीरो लिख दिए जब हम इस तरीका से लिख रहे हैं तब यहाँ चर एक्स हो गया और इसका पावर कितना है जीरो अब इस बहुपद का तीन बहुपद है और तीन बराबर ही मैं इसे लिख रहा हूं तो इस बहुपद का घात जीरो हो जाएगा आंसर घात बराबर जीरो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है ये मैं आप लोगों को पहले बतला चुका हूँ कि जब बहुपद में चर का घात वन होता है तब हम उसे रैखिक कहते हैं जब बहुपद में चर का अधिकतम घात वन हो तो वह बहुपद रैखिक कहलाता है और जब बहुपद में चर का अधिकतम घात दो हो तो उसे द्विघाती कहेंगे और जब किसी बहुपद में चर का अधिकतम घात तीन हो तो उसे हम लोग त्रिघाती कहेंगे यहाँ पर इस बहुपद में चर का अधिकतम घात दो है इसलिए इसे हम लोग द्विघाती कहेंगे इस बहुपद में चर का अधिकतम घात तीन है इसलिए इसे हम लोग त्रिघाती कहेंगे क्वेश्चन नंबर तीन में इस बहुपद में चर का अधिकतम घात दो है इसलिए इसे हम लोग द्विघाती कहेंगे क्वेश्चन नंबर फोर में चर का अधिकतम घात वन है इसलिए इसे हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे क्वेश्चन नंबर पांच में भी चर का घात वन है इसलिए इसे भी रैखिक बहुपद कहेंगे और अब यहां आ जाए सिक्स में आर स्क्वायर यह भी होगा द्विघाती क्वेश्चन नंबर सेवन यह होगा त्रिघाती बहुपद इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त हो गया मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह चैप्टर पसंद आया होगा आसान भी लगा होगा आप लोगों ने वीडियो देखा इसलिए आप लोगों को मैनी मैनी थैंक्स जय हिंद